अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय एस एकेडमी तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर क्लास नाइन डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का चैप्टर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ है इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जो तो मेन टॉपिक्स थे हमने उसको डिटेल से डिस्कस भी किया था आज हम करने वाले हैं टेक्सट बुक की एक्सरसाइजेस और एक्टिविटी को एक दफा देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं और उसमें हमने क्या लिखना है एक्सप्लेनेशन की क्लासेस में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन की है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड टर्म से रिलेटेड आज हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में क्या एक्सरसाइज दी हुई है यानी कि क्या एक्स्ट्रा छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं और एक्टिविटीज देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपके साथ एमसीक्यूज और एब्रीवेशन शेयर कर दूंगी चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास बुक में दिया हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है प्रॉपर्टीज बतानी है गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं तो so, प्रॉपर्टीज क्या होती है ठीक है डिपेंड किस पे करता है फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे करता है अब ये तीन है और उन्होंने बोला है एक्सप्लेन एनी वन ठीक है अब तीनों मैंने आपकी आसान के लिए यहाँ लिस्ट डाउन कर दी है जो भी आपको आसान लगे आप वो याद कर लेना delivery, accuracy या timelessness और यहाँ पे मैंने आपको, mention भी कर दिया है। अगर मैं आपको यहाँ जो भी आपको आसान लगे आप वो यहाँ पे mention कर सकते हो और ये हमारे पास आगे डिलीवरी में क्या करता है मेक शोर sure करता है डाटा को टाइम पे डिलीवर हो ठीक है ये इसकी खासियत है ठीक है उसके अलावा करेक्ट मैनर में और सही डेस्टिनेशन पे डिलीवर करना इसका काम है एक्यूरेसी का मतलब ये आ गया कि एक्यूरेट डेटा होना चाहिए ठीक है और ट्रांसमिट पूरा होना बचना नहीं चाहिए और अनकरेक्ट या अनयूजफुल डाटा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करता और टाइमलेसनेस यानी कि टाइमली डिलीवर करना इसकी एक खासियत है ठीक है इन तीनों में से आप एक लिख सकते हो नेक्स्ट हमारे पास बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और बुक के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको नहीं पता कि आपके एग्जाम में बुक से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है तो आपने अपनी पूरी हंड्रेड परसेंट तैयारी करनी है ट्रेन में इसलिए डिटेल में नहीं करी क्यूंकि मैं ऑलरेडी सारी हाँ चीजें डिटेल में समझा चुकी हूँ आज मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ की कि किस तरह से लिख सकते हैं आप क्या क्या चीजें मैंशन होनी चाहिए क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स है ठीक है एक्सप्लेन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम को हमने देखा था कॉम्पोनेट देखे थे इधर हम सिर्फ रिविजन कर लेते हैं कि क्या क्या कॉम्पोनेट होते हैं मैसेज होता है उसकी एग्जाम्पल भी आ, आपको मैंने यहाँ पे दे दी है अगर आप यहाँ से याद करना चाहो आप वीडियो को पॉज करके इजीली कर सकते हो मैसेज आ गया सेंडर आ गया रिसीवर आ गया और उसके बाद आ गया हमारे पास मीडियम देन प्रोटोकॉल ठीक है और ये सारी एग्जाम्पल्स मैंने आप देख रहे हैं कि हर डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जितनी पॉसिबल्स थी मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी हैं और बाकी यहाँ पे क्या आगे एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो आपको आसान लगे जो आपको समझ आए वर्डिंग जिसकी आप वो याद कर सकते हो ठीक है एक्सप्लेनेशन अगर किसी ने देखी है अगर आपने लेक्चर वन और लेक्चर टू लिया है तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक है क्योंकि आपको ऑलरेडी डेफिनेशन आती होंगी और इस वीडियो से आप लिखने का तरीका भी देख लेंगे ये हमारे पास आ गई डायग्राम ठीक है आप पूरा कंप्यूटर नहीं बनाना आप नॉर्मल एक हल्का सा कंप्यूटर बना के दो तरह से आप दिखा सकते हैं एरो आप बना सकते हैं ये डायग्राम भी आपको बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में सपोर्ट करेगी इसलिए मैंने यहाँ पे मैं कर दी ठीक है इसको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं तो आगे चलते हैं यहाँ पे हमने क्या बताना है फंक्शन बताना है जो टर्म्स उसने नीचे दी हुई है एम्पलीफायर क्या होता है ये भी हमने समझा था राउटर क्या होता है ये भी देखा था स्विच और हब क्या होता है ये भी हमने देखा था ठीक है उसके लिए आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर रिवीजन के लिए तीन चार पॉइंट्स बना दिए हैं क्योंकि पॉइंट्स में याद करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है ठीक है ये स्विच के पॉइंट्स आ गए हैं ये हब के आ गए हैं ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स के अंदर आपको इन सब की डेफिनेशन समझा चुकी हूँ बता चुकी हूँ यहाँ पे हम रिविजन कर रहे हैं और तरीका देख रहे हैं कि अगर इस तरह के छोटे क्वेश्चन आ गए तो हमने उसमें क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास क्या है लेस द कॉस ऑफ सिग्नल इंपेरिमेंट एक्सप्लेन एनी वन ठीक है तो अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले बता दिया कि क्या क्या सिग्नल ट्रांसमिशन होता है और इसके अंदर फॉल्ट पॉसिबल फॉल्ट आ सकते हैं ये तीनों हमने बहुत अच्छे से देखे थे और ठीक है तो आप इन तीनों को लिस्ट डाउन कर सकते हो अगर उसने एनी वन लिखा हुआ है तो आप एनी वन लिखोगे और मैंने इनको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वेव जो है वो चेंज होती है फ्रीकवेंसी चेंज होती है नॉइस में क्या फर्क होता है साउंड में क्या फर्क होता है ये सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी थी आपने एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप लेक्चर वन और लेक्चर टू पूरा देखिएगा इनशाला आपको बहुत अच्छी से समझ आ जाएगा पास क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है है जो कि बहुत ज्यादा मेन मैंने लास्ट लेक्चर्स में ही बताया था कि इस तरह के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं ठीक है और आपने ये सारी चीजें लिखनी है ये सारे पॉइंट्स मैं लास्ट लेक्चर में लास एक्सप्लेन कर चुकी हूँ नेक्स्ट हमारे पास है वाई ओ एस आई मॉडल इज ब्रोकन अप इन टू लेस ठीक है क्यों जो है उसको ब्रेक कर दिया जाता है यानी कि डिफरेंट लेयर्स बना दी जाती हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया पैराग्राफ और ये मेन पॉइंट भी आ गया हमारे पास उसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ गए इसके एग्जाम्पल भी जो पॉसिबल एग्जाम्पल्स हो सकती थी मैंने यहाँ पे मैंशन कर दी है नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट वन मैरिड और डी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है तो बस जब बोलो जी अग, हमने पढ़ी थी तो उसकी डेफिनेशन भी देखी थी उसकी डायग्राम भी डिस्कस की थी और हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखा था तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है यहाँ पे मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपने हेडिंग डालनी है पॉइंट मैंशन करने और इन्हीं वर्डिंग्स में करने हैं क्योंकि मैंने पहले दिन पहले लेक्चर में ही आप लोगों वो को बोला था कि कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए आपको डिफरेंट टर्म्स आनी चाहिए जो इस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है ठीक है तो ये स्टार टोपोलॉजी की आगे मैंने सबकी यहाँ पे दोबारा से मैंशन कर दी है ताकि आपको रिवीजन हो जाए अब यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से बोल दिया है कि राइट डाउन एंड ओनली वन मेरिट और डीमेरिट अगर उसने वन बोला है तो आप वन लिख दीजिएगा अगर उसने सिर्फ किया है कि कि uh, मेरिट्स और और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैं तो अगर नंबर का सवाल है तो आपने मैक्सिमम चार लिख देने हैं पांच लिख देने हैं अगर टाइम पॉसिबल हो तो टाइम नहीं है तो आप तीन लिख के आगे बढ़ जाए ठीक है वो तीन भी ऐसे में चाहिए जो एक दूसरे से डिफरेंट हो ठीक है सिमिलर एक ही चीज बार बार अलग अलग वर्डिंग में मत लिखिएगा अगर आप तीन लिख रहे हैं सिंपल क्योंकि एग्जामिनर उसके मार्क्स डिटेक्ट कर लेता है ठीक है तो आपने डिफरेंट तीन क्वालिटीज बतानी नेक्स्ट हमारे पास क्या है गिवेज एंड मैन ठीक है इनको हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं इनकी डिफरेंसेज भी देखे थे और इनकी आ गई यहाँ पे एग्जाम्पल ठीक है तो ये आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं इनकी फुल फॉर्मस भी देखी थी जो की मैंने कहा था एप्रीविएशन के लिए आपके काम आ सकती है यहाँ पे मैंने अगेन बता दिया है कि किसी भी एक की यहाँ पे मैंशन करनी थी तो वो आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं हाउ कैन बी मेजर बिट रेड और ब्रॉड रेट ठीक है ब्रॉड रेट और रेट में हमारे पास फॉर्मूले थे दोनों और इनकी डेफिनेशन एग्जाम्पल भी देखी थी ठीक है तो हमारे पास ये जो डिजिट्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये आपने याद करने हैं उसके अलावा फॉर्मूला जो हमारे पास था वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर तो यहाँ पे भी मैंने आपको कर दिया है कि बिट रेट का फार्मूला क्या होता है और बॉड रेट का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है और इन दोनों में डिफरेंस भी देखा था ये आ गई हमारे पास इसकी एग्जाम्पल ठीक है दोनों की एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दी है ताकि आपको दोबारा से डिफरेंस समझ आए उसके अलावा हमारे पास मैच मैजा कॉलम है तो मैच मैजा में हमारे पास क्या है पार्ट्स ऑफ एन आई पी वी ए फोर एड्रेस का हमारे पास क्या होता है नेटवर्क एंड होस्ट होता है ठीक है फिजिकल एड्रेस क्या होता है फिजिकल एड्रेस होता है हमारे पास कैन नॉट बी चेंज फिजिकल एड्रेस जो है वो चेंज नहीं होता उसके अलावा अ नेटवर्किंग कनेक्टिंग टू कॉन्टिनेंट तो ये क्या करता है ये करता है वेन ठीक है ये प्रॉपर्टी है वैन की इसके अलावा टीसीपी एंड यू डी पी आर यूज कहा होते हैं ये यूज होते हैं ये यूज होते हैं है, है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ठीक है थर्ड मिस हो गया है चेंज इन शेप ऑफ सिग्नल क्या होता है डिस्ट्रॉशन होता है इन ओएसआई मॉडल द लेयर रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द फॉर्मेट डेटा डेटा को फॉर्मेट कौन सी लेयर करती है वो लेयर करती है हमारे पास डेटा लिंक की लेयर ठीक है और एक लास्ट हमारे पास एक्टिविटी है कि लिस्ट करनी है नेम स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है और इसके एब्रीवेशन भी देखी थी तो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं ठीक है ये आपने फिंगर टिप पर याद करना है ये एमसीक्यूज में क्यू पूछा जा सकता है कि इन चारों में से पांचों में से एक भी मिस कर देंगे और बोलेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख देंगे बोलेंगे इसमें से आपने चूज करना है तो ये आपको जब पाँचों याद होंगी तो आप एक्स्ट्रा जो भी एम सी क्यूज डी ए होंगे चॉइसेस दी भी होंगी आप उसको मार्क नहीं करोगे और राइट वाले को पिक कर लोगे सो आई होप कि आपको ये वीडियो ये लेक्चर अच्छा लगा होगा आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा क्योंकि ये एक डिफरेंट लेक्चर था डिफरेंट चैप्टर था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी बुक की एक्सरसाइजेज भी सोल्व करवा दी जाए इसकी एग्जाम्पल इसके आंसर बता दिए जाए अब हम नेक्स्ट क्लास में एम सी क्यूर एप्डिवेशन को देखेंगे उसको डील करेंगे उसको समझेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज